हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज अ मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरीज अ वुमन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। विच टाइप ऑफ प्रोजेनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटरोजाइगस ए? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ एंड ऑप्शन डी बी। सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सी प्रोजेनी है जो इंडिकेट करेगी कि जो फादर है वो हेटरोजाइगस ए है। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज ब्लड टाइप्स। सो ब्लड टाइप्स जो होते हैं ये हमारे बेस्ड होते हैं ऑन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या होता है, ये मल्टीपल एलील्स बेस्ड होता है। सो मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, जब हमारे पास एक ही जीन प्रेजेंट है बट उसके मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं। सो सिमिलरली इन एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, हमारे पास तीन मल्टीपल एलील्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो इनके मल्टीपल एलील्स आते हैं आई ए विच इज एंटीजन एंटीजन ए, आई बी विच इज एंटीजन बी एंड स्मॉल आई विच इज नो एंटीजन, देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज ओ टाइप। सो इसमें क्या होता है, ये तीनों अब क्या करते हैं, मिक्स मैच करते हैं एंड फर्दर जो इसके थ्रू हमारा जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। और इसमें एक ब्लड ग्रुप में जनरली दो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, दो मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर होमोजाइगस फॉर्म में एक ही जो एलील होता है वो डबल उसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज ए बी। सो ए बी ब्लड ग्रुप अगर बच्चे का होगा, चाइल्ड का होगा, तो उसके एलील्स होंगे आई ए एंड आई बी। सो फॉर दिस जो आई ए होगा वो उसको फादर से मिलेगा बिकॉज फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, विच मीन्स वो या तो आई ए होगा विच इज होमोजाइगस, या फिर वो होगा आई ए और आई। सो इसमें आई ए जो है ए बी ग्रुप में वो फादर से मिलेगा आई ए, एंड आई बी मिलेगा उसको फ्रॉम मदर बिकॉज मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी, विच मीन्स उनके पास एक आई ए है और एक आई बी प्रेजेंट है। इस केस में जो है डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि इफ फादर जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में फादर आई ए प्रोवाइड कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज ब्लड ग्रुप ए। सो ए ब्लड ग्रुप में उनको बोला गया है, अब आई अगर अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके एंटीजन्स होंगे या तो आई ए, या फिर ये होमो हेट्रोजाइगस में प्रेजेंट होगा विच इज आई ए एंड स्मॉल आई। सो अब अगर मदर अपने आई ए आई बी में से आई ए प्रोवाइड करती है, सो आई ए आई बी प्रेजेंट है एंड ये आई ए प्रोवाइड करती है, एंड जो फादर हैं हमें नहीं पता कि अभी वो हेट्रोजाइगस हैं या फिर होमोजाइगस, सो उनका ब्लड ग्रुप आई ए आई ए हो सकता है, या फिर उनका ग्रुप ब्लड ग्रुप आई ए और आई हो सकता है, एंड दोनों ही कंडीशंस में वो आई ए प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को। देयरफॉर जो बच्चा है, जो चाइल्ड होगा, उसका ब्लड ग्रुप बनेगा ए। सो इस कंडीशन में भी पता नहीं चल पाएगा कि इफ फादर होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज ब्लड ग्रुप ओ। सो फॉर ब्लड ग्रुप ओ जो अलील्स होने चाहिए वो होने चाहिए स्मॉल आई, एंड ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मदर जो है उसके पास ये एलील प्रेजेंट ही नहीं है, मदर के पास आई ए एंड आई बी प्रेजेंट है, देयरफॉर ये ब्लड ग्रुप पॉसिबल ही नहीं होगा बेबी का। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज ब्लड ग्रुप बी। सो फॉर ब्लड ग्रुप बी जो चाइल्ड है उसके एलील्स होंगे आई बी एंड स्मॉल आई। सो इस केस में जो मदर है वो अपने एलील्स जो कि हैं आई ए आई बी उसमें से आई बी प्रोवाइड करेगी चाइल्ड को, एंड जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास ए गिवन है, विच मीन्स यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप आई ए
स्मॉल आई होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपना जो ब्लड ग्रुप देगा, जो एलील प्रोवाइड करेगा वो स्मॉल आई करेगा, एंड जो चाइल्ड होगा देयरफॉर उसका ब्लड ग्रुप बी होगा. सो इस ऑप्शन में ये प्रूव होता है कि जो फादर है वो हेट्रोजाइगस है, विच मीन्स उनके एलील्स डिफरेंट प्रेजेंट है. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज बी. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.